हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका पंवार रमोला फ्रॉम दायर देहरादून। आज हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक टाइल्स की हेल्प से पॉलिनोमियल्स को सेपरेट किस प्रकार किया जा सकता है। इसके लिए यूज़ करते हैं हम दो मेथड। पहला मेथड है टेक अवे मेथड। इस मेथड में हमें जिस इक्वेशन को सेपरेट करना है उतनी टाइल्स हम पहले वाली इक्वेशन में से हटा देते हैं। एग्जाम्पल के समझते हैं, तो 2x² माइनस 5xy प्लस 3y², इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x² माइनस 2xy प्लस y², क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए दूसरी इक्वेशन के आगे माइनस साइन। 2x² यानी कि x यूनिट लेंथ की आपके पास दो टाइल्स हो गई, माइनस 5xy यानी कि x यूनिट लेंथ और y यूनिट विड्थ की आपके पास 5 टाइल्स हो जाएंगी। बट क्योंकि माइनस साइन है तो यानी कि यहाँ पे आप पे सब टाइल्स में शेड हो जाएगा। प्लस 3y² यानी कि y यूनिट लेंथ की आपके पास 3 स्क्वायर टाइल्स हो गई। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2x² में से x² यानी कि एक टाइल आपकी कट हो गई, केवल x² एक टाइल आप पे बच गई x यूनिट लेंथ की, इट मीन्स x². इसके बाद माइनस 5xy में से आपको हटा देनी है माइनस 2xy यानी कि दो टाइल्स, यानी कि 1 टाइल एंड 2 टाइल, यानी कि आप पे केवल बची 1, 2 और 3। तो 3xy और ये शेडेड है यानी कि साइन माइनस। प्लस 3y² में से आपको सेपरेट करना है y² यानी कि एक स्क्वायर टाइल कैंसिल, आपके पास केवल बची 2 टाइल्स यानी कि प्लस 2y². अब टेक अवे मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये मेथड वहीं पर यूज हो सकता है जहां पे हटाने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन में प्रॉपर टाइल्स हों। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं जीरो प्रिंसिपल मेथड का। तो जीरो प्रिंसिपल का यूज हम किस तरीके से करेंगे इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x² प्लस 2x प्लस 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि इक्वेशन के आगे माइनस साइन आ गया। अब 2x² यानी कि एक्स यूनिट लेंथ की दो टाइल्स, माइनस 7x यानी कि एक्स यूनिट लेंथ और 1 यूनिट विड्थ की आपके पास 7 टाइल्स हो जाएंगी। बट माइनस साइन है यानी कि ये सारी टाइल्स आपकी शेडेड होंगी। फोर यानी कि 1 यूनिट लेंथ के आपके पास 4 स्क्वायर हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x² में से x² यानी कि एक 2 स्क्वायर में से आपका एक स्क्वायर हट गया, तो केवल x यूनिट लेंथ का आप पे एक स्क्वायर बचा, इट मीन्स x². अब आप देखेंगे माइनस 7x में से प्लस 2x आपको हटाना है, तो आप इसमें देखेंगे कि टाइल्स में प्लस 2x वाली टाइल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम जीरो प्रिंसिपल का यूज कैसे करेंगे कि पहले आप प्लस वाली 2 टाइल्स बना दीजिए और इतनी ही 2 टाइल्स आप माइनस वाली बना देंगे। तो 2 टाइल्स प्लस वाली, 2 माइनस यानी कि इसमें शेड। तो ये जीरो प्रिंसिपल के से ये आपस में कट हो जाएंगी तो ये जीरो बनाएंगे। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं माइनस 7x में से प्लस 2x यानी कि आपकी ये 2 टाइल हट गई, तो आपके पास अब बची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइल्स यानी कि 9x, और क्योंकि ये सारी शेडेड है यानी कि आपके पास माइनस साइन। अब 4 में से आपको 2 टाइल हटा देनी है यानी कि ये 2 टाइल आपकी हट जाएंगी, तो आपके पास केवल बची 2 टाइल्स यानी कि इट इज प्लस 2।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जीरो प्रिंसिपल का मेथड किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।